चरित्रहीन कौन है, है? भगवान कृष्ण कहते मेरे में चरित्र नहीं है, गुण ही नहीं है। अब एक शादी कर ली, दो कर ली, 15 कर ली, 16 कर लो, बहुत है 16, कितनी कर ली 16,000, ये भी चरित्र चरित्र है भी। पंडित प्रदीप मिश्रा भले ही राधा रानी से नाक रगड़कर माफी मांग चुके हों, लेकिन लगता है देश में साधु संतों और कथावाचकों ने विवादित बयान देने का ठेका उठा लिया है। ताजा मामला उज्जैन का है, जहां के कथावाचक कुमार स्वामी ने अब भगवान श्री कृष्ण को लेकर विवादित बयान दिया है। आइए आपको उनका ये बयान सुनाते हैं। किसी भगवान का कुछ चरित्र है? और बच्चे कितने कर लिए? एक लाख साल की चरित्र 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 बन करेगा है? कोई कर सकता है 16,000 शादी? 16,000 से 100-100 बच्चे पैदा कर सकता है? और काम वासना बिल्कुल ही नहीं है, किसी मकान में काम वासना बिल्कुल नहीं है। 16,000 रन से रोज भोग करते थे और एक लाख कितने बच्चे? 60,000, और कभी भोग नहीं किया उन्होंने। इतना ही नहीं, कुमार स्वामी का एक और पुराना बयान है, वो बयान भी खूब चर्चा में है, जिसमें वो हिंदू धर्म को लेकर कुछ कहते हुए सुनाई दे रहे हैं। चलिए वो भी सुनाते हैं। हम जो हिंदू का, तब हिंदू नहीं है। हिंदू का मतलब पता क्या है? चोर, डाकू, गुंडा, बदमाश, लुच्चा, इसका हिंदू का ये मतलब है। विकिपीडिया में डालो, है किसी का विकिपीडिया? डालो हिंदू का मतलब क्या है, डालो। शर्म भी नहीं आती, तुम बोल कैसे लेते हो? बोलो, नेट में डालो धर्म का क्या मतलब, डालो तो सही। धर्म का, हिंदू का क्या मतलब, डालो तो सही। गर्व से बोलो हम हिंदू हैं, फिर गर्व से बोलो हम चोर हैं, डाकू हैं। बोलो गर्व से हम चोर हैं, बोलो हम डाकू हैं। हालांकि अब कुमार स्वामी के भगवान श्री कृष्ण पर दिए गए विवादित बयान के बाद चारों तरफ उनका विरोध होना शुरू हो गया है। उज्जैन के महामंडलेश्वर सुमानंद महाराज ने सिंहस्थ में कुमार स्वामी को रोकने की चेतावनी दे दी है। किन्नर महामंडलेश्वर हिमांगी सखी ने भी कहा कि कुमार अब पहले अपना चरित्र देखें, इसके बाद कुछ और बात करें। विरोध बढ़ने के बाद कुमार स्वामी ने एक वीडियो जारी कर अपने बयान पर माफी भी मांगी है। मुझ नाचीज को कुछ भी जिसके बारे में कोई ज्ञान नहीं है, कोई संस्कृति नहीं है, कोई भाषा का ज्ञान नहीं है, अनपढ़ अल्पज्ञ है, उसके लिए मुझे क्षमा करना। मेरे से कोई गलती हो गई हो, कोई भूल हो गई हो, और गलती पल पल करते हैं, भूल करते हैं, बस आप हमें क्षमा करते रहना। ब्रिजवासियों का जो प्रेम मिलता रहेगा, अभी मैं जब इस इंग्लैंड के, अमरीका के, कैनेडा के टूर से आऊँगा तो मैं पहले आपकी धरती पर आऊँगा, आपके चरणों में आऊँगा। पहले बयान देना और बाद में माफी मांगना, लगता है ये अब फैशन सा बन गया है। धर्म को लेकर तरह तरह की बातें आए दिन हम सोशल मीडिया पर और कई मीडिया प्लेटफॉर्म पर सुनते और देखते रहते हैं, लेकिन सोचना चाहिए कि क्या हम जो बयान दे रहे हैं वो कितना सही है और कितना गलत। बहरहाल, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार।